आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम सॉफ्ट और टेस्टी नारियल के लड्डू। इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एकदम बाजार जैसा सफ़ेद नारियल का बुरादा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे। इस नारियल के गोले को हम जो ब्राउन पार्ट है उसे हटाकर तब गोले को कद्दूकस करेंगे। इसे हम घुमाते हुए कद्दूकस करेंगे ताकि ब्राउन वाला पार्ट अलग हो जाए। देखिए ऐसे घुमा घुमा कर हम इसे कद्दूकस कर लेंगे, मतलब कि इसे छील लेना है। ये देखिए आधा गोला मैंने कद्दूकस करके छील लिया है, बाकी का भी आधा ऐसे ही हमें छील लेना है। देखिए घुमाते हुए हमें इसे कद्दूकस करते जाना है। ये देखिए ब्राउन वाला पार्ट एकदम अलग हो गया है, हमने ये गोला बिल्कुल सफ़ेद तैयार कर लिया है। और ये जो बुरादा तैयार हो गया है, जो नारियल को हमने छीला है, तो इसको हम किसी भी डब्बे में भर कर रख लेंगे और जब भी हम खीर या हलवा वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और अब एक दूसरी प्लेट लेकर इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए एकदम वाइट वाइट नारियल का बुरादा तैयार हो रहा है। यह मैंने पहले ही एक नारियल को कद्दूकस करके रख लिया है। ये देखिए इसी तरीके से हमें ये नारियल भी कद्दूकस कर लेना है। गर्म होने के लिए पैन को रख देते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। थोड़ा सा नारियल का बुरादा हम बचा लेंगे और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। ये हमारा घर का बनाया हुआ नारियल का बुरादा है। अगर हम बाज़ार का बुरादा यूज करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा घी ज़रूर डालने देना चाहिए क्योंकि वो एकदम ड्राई होता है। हल्का हल्का कलर ब्राउन हो चुका है और अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे एक कप दूध और इसे हम अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये दूध पूरी तरह सूख न जाए। ये देखिए दूध एकदम सूख चुका है और थोड़ी सी मलाई मेरे पास जो घर में दूध होता है उसकी मलाई बची हुई थी वो भी मैंने यूज में ले ली है और इसको भी हम चलाते हुए ऐसे ही पका लेंगे। इसका मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए ये एकदम सूख चुका है। और अब इसमें हम एक कप शुगर डाल देंगे। हीट लगने की वजह से शुगर भी मेल्ट हो रही है और इसमें से भी मॉइस्चर निकल रहा है और इसको भी हमें एकदम सुखा लेना है। जो शुगर से निकलने वाला मॉइस्चर है उसे भी हमें एकदम ख़त्म कर देना है। लगातार चलाते रहेंगे
मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो चुका है। देखिए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अभी लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए रहना है, नहीं तो नीचे तले में जल जाएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देते हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब मिश्रण हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है तो हम इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स लेकर लड्डू बनाना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। और इसे हम जो हमने बुरादा बचा कर रखा हुआ है इसमें अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके और रख लेते हैं और फिर ऐसे ही और लड्डू बना लेंगे। लड्डू एकदम बराबर बने इसके लिए हम स्पून से सेम क्वांटिटी में मिश्रण लेंगे और लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाकर हम ऐसे ही सूखे नारियल के बुरादे में उसको अच्छे से रोल कर लेंगे और प्लेटिंग कर देंगे। सारे लड्डुओं को हमें ऐसे ही बना लेना है। देखिए हमारे लड्डू बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट लड्डू बने हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो जब भी आपका मन करे आप इसे बनाइए और खाइए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें।